अंतिका में राजा संस्था के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। मधेपुरा के हमारे साथी का में राजे संस्था के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। मधुबनी जिला के साथियों पर से झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। मधेपुरा जिला मुरलीगंज में CPIM के नेता राजेश हंसराज की हुई हत्या को लेकर तथा बाढ़ राहत आंदोलन के दौरान CPIM के नेता की गिरफ्तारी व दरभंगा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि राजेश हंसराज जिनकी हत्या 24 अक्टूबर को भू माफिया के द्वारा की गई, उनकी गिरफ्तारी अविलंब करें तथा बाढ़ राहत आंदोलन के समय झूठे मुकदमे में CPIM के नेता की जो गिरफ्तारी हुई है उन्हें अविलंब बिना शर्त रिहाई की जाए। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आप। धरना के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? आज CPIM के राज्यव्यापी आह्वान पर, पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर हम दरभंगा समाहर्ता के समक्ष मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में जो 40-45 वर्षों से आदिवासियों का भूमि आंदोलन है, भूमि का संघर्ष है, उसके नेतृत्वकर्ता हमारे साथी कामेर राजेश हंसदा की जो हत्या 24 अक्टूबर को हो गई, उसमें जो अभी तक भूमाफिया के गुंडे भूमाफिया खुले घूम रहे हैं, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। राजेश हंसदा के परिजनों को उचित मुआवजा की मांग करते हैं। साथ ही मधुबनी जिले में जो हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लाद करके उनको, निर्दोष लोगों को जो जेल में बंद किया गया है, जिला प्रशासन बिना शर्त उन तमाम साथियों को रिहा करे, इसकी मांग करते हैं। और बाढ़ पीड़ितों को जो राहत का सवाल है उसको पूरा करने का काम जिला प्रशासन करे। साथ ही साथ आप जानते हैं दरभंगा जिला आज धू धू करके जल रहा है। दरभंगा का कुशेश्वर से लेकर जाले तक आप लोगों के माध्यम से ही, समाचार पत्रों के माध्यम से ही और दूसरे चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों को जो जानकारी मिलती है, प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है। कभी हत्या की जाती है, कभी गोलियां बरसाई जाती हैं, कभी लूटे जाते हैं, कभी बैंक लूट की घटना होती है, कभी हरिजनों पर हमले होते हैं, कभी दलितों पर हमले होते हैं, कभी महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। और तमाम मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम मामलों में प्रशासन जांच के नाम पर हाथ धरे दरभंगा जिले के अंदर भी बैठी हुई है। पार्टी ने इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि दरभंगा में जो लगातार अपराध बढ़ रहा है, अगर समय रहते उस पर रोक लगाया नहीं गया तो दरभंगा जिला में भी एक व्यापक आंदोलन अपराध के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ और प्रशासनिक अपराध के खिलाफ हम एक बड़े आंदोलन की ओर दरभंगा जिले के अंदर में जाएंगे। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे साथी राजेश हंसदा के हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो, हमारे तमाम मधुबनी के साथियों पर से झूठा मुकदमा वापस लेकर के जो जेल में है उनको बिना शर्त रिहा किया जाए और अविलंब दरभंगा जिला में अपराध पर रोक लगाया जाए। और साथ ही साथ अंत में हम यह मांग करते हैं कि दरभंगा शहर के अंदर जो DMCH एक बड़ा संस्था है, सरकार का एक नामी गिरामी संस्था है, उसके अंदर जो ठेका पर काम कराने का काम निजी कंपनियां कर रही हैं, उनकी मनमानी आज चरमोत्कर्ष पर है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के दर्जनों सफाई कर्मियों को ये काम से हटा दिया गया है। इसलिए हम मांग करते हैं यथाशीघ्र जो कार्यरत थे उनको काम पर लिया जाए और उनका जो उचित, उनका जो मजदूरी है उसका भुगतान किया जाए। यह मांग के साथ आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। गोपाल ठाकुर, जिला सचिव मंडल सदस्य दरभंगा। व्यापी आह्वान पर बिहार प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन की जा रही है, उसी कड़ी में दरभंगा में भी हम CPIM दरभंगा जिला कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। आज सवाल है कि मधेपुरा के मुरलीगंज में CPIM के आदिवासी नेता राजेश हंसदा की हत्या पिछले 24 अक्टूबर को अपराधी भूमाफियाओं ने कर दिया, लेकिन वहां की पुलिस मुदर्शक बनी हुई है। अपराधियों पर, भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां आदिवासी आंदोलन चल रहा है। आदिवासियों को जो जमीन देने का सवाल है उस सवाल का नेतृत्व राजेश हंसदा कर रहे थे। दूसरा हमारा सवाल है कि मधुबनी जिला के मधेपुर में बाढ़ के आंदोलन चल रहा था, राहत के सवाल को लेकर
मधेपुर प्रखंड के सीपीएम के बड़े लीडर राम नारायण यादव के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। बाढ़ पीड़ितों को तो बाढ़ राहत नहीं दिया गया, उल्टे वहां के अंचलाधिकारी, वहां के दरोगा एक झूठा मुकदमा करके और राम नारायण यादव को जेल के अंदर बंद कर दिया। दूसरा शशिभूषण प्रसाद जो जयनगर के इलाके में वहां प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के डीएसपी के गुंडागर्दी और लेन देन के खिलाफ वो आवाज़ लगा रहे थे, उन पर उसी मामले में झूठा मुकदमा में उनको सुपरविजन में नाम जोड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया है। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और प्रशासनिक पदाधिकारी भी छोटा अपराधी नहीं है, उनका भी अपराध आज बिहार के अंदर बढ़ा है। प्रशासन आज अपराध पर तुला हुआ है, निर्दोष को फंसाने का काम कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज के इस राज्यव्यापी आंदोलन से चेतावनी देने के लिए बिहार प्रशासन को आया है कि आप समय रहते आप बाज होइए, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग अगर मुरलीगंज के अंदर हमको न्याय नहीं मिला, हत्यारा को जेल नहीं हुआ, तो हमारा आंदोलन तेज होगा और मधुबनी के जो हमारे दो नेताओं की, निर्दोष नेताओं की जो गिरफ्तारी हुआ है बिना शर्त, उनको रिहाई नहीं किया गया, तो बिहार के धरातल पर मजबूत संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लाल झंडा की नेतृत्व में होगी। सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत। हम राज्यव्यापी आह्वान पर मुरलीगंज मधेपुरा जिले में सीपीएम के नेता राजेश हंसदा की हुई हत्या और मधुबनी के मधेपुरा में सीपीआईएम के बाढ़ राहत आंदोलन के दौरान झूठे मुकदमे में, निराधार मुकदमे में दो सीपीएम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, उसको बिना शर्त रिहाई करने की मांग को लेकर और दरभंगा जिले में जो बढ़ते अपराध है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर अभी हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। हम बताना चाहते हैं जो आज मधेपुरा जिले में 200 एकड़ जमीन पर लड़ाई सीपीआईएम के नेतृत्व में है, उसके नेता राजेश हंसदा थे, आदिवासी दलितों के नेता थे, उनकी हत्या भू माफिया ने कर दिया है। अभी तक आश्चर्य की बात है जो 24 अक्टूबर की घटनाएं हैं, महज अभी तक एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उससे पूर्व ही उस भूमि आंदोलन में हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं। हम लगातार बिहार के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है, दरभंगा जिले में जो अपराध बढ़ रहा है, उस पर हम रोक लगाने की मांग करते हैं। आज जो हत्याएं हो रही है, ये लगातार जो जमीन संघर्षों पर दमन हो रहा है, भू माफिया गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के लिए लगातार मुरलीगंज में हमला कर रही है। इसी का परिणाम है जो 24 अक्टूबर को हमारे प्रिय नेता राजेश हंसदा की हत्या हुई है। दूसरी बात जो मधुबनी जिला का है, मधेपुरा में बाढ़ राहत का आंदोलन चल रहा था, प्रशासन और पुलिस ने सुनियोजित तरीका से झूठा मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करके हमारे दो नेताओं को उसमें गिरफ्तार किया है। एक शशिभूषण प्रसाद हैं जो जयनगर के रहने वाले हैं, उस आंदोलन उस दिन वहां मधेपुर में थे भी नहीं, वे लगातार जयनगर के डीएसपी के भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर डीएसपी के इशारे पर उनको एक्यूज बनाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसकी हम निंदा करते हैं और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। बिहार और दरभंगा जिले में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर हम रोक लगाने की मांग करते हैं। सीपीएम नेता राजेश हंसदा की जो हत्या हुई है उसके तमाम नामजद अभियुक्तों को हम गिरफ्तार करने और उनके परिवार को सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग करते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज सीपीएम के ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिला कमेटी की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। सवाल ये है, राज्यव्यापी आंदोलन आप कर रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार है और आप बोल रहे हैं कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है, दरभंगा में अपराध बता, आपकी सरकार नियंत्रण करने में असफल है, तो विधानसभा विधान परिषद में आवाज उठाइए। हम सरकार का समर्थन करते हैं और ये जो मधेपुरा का सवाल है, ये जो मधुबनी के मधेपुर प्रखंड का मामला है बाढ़ राहत आंदोलन, और ये मुरलीगंज के हत्या के सवाल पर 5 ये नवंबर से विधानसभा चल रही है,
हमारी पार्टी सीपीएम की ओर से दरभंगा जिले में जो बढ़ते अपराध है, ये जो मधेपुरा की घटना है और ये जो बाढ़ राहत मधुबनी का बाढ़ राहत आंदोलन है, इन तीनों मुद्दा को लेकर विधानसभा में सवाल उठेगा। विधानसभा में सवाल उठेगा जो बिहार में जो लगातार कानून व्यवस्था आज जो खराब होता जा रहा है, अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रहा है, इस मुद्दों को लेकर विधानसभा में हमारे विधायक दल के नेता अजय कुमार सवाल खड़ा करेंगे। हम सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मांग को ले जाएंगे और आंदोलन और संघर्ष करेंगे।